खबर इस वक्त के आपको बता दें, उज्जैन से पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। दंपति और बेटे से थाने में मारपीट का आरोप। कान से खून बहने लगा, पत्नी को फ्रैक्चर हुआ। थाना प्रभारी ने आरोपों को खारिज किया है। कटनी के बाद उज्जैन में भी पुलिस पर यह आरोप लगा है। अब उज्जैन से ये बड़ी खबर, पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं और दंपति और बेटे से थाने में मारपीट का आरोप लगा है। कान से खून बहने लगा, पत्नी को फ्रैक्चर हुआ। थाना प्रभारी ने आरोपों का खंडन किया है। थाना प्रभारी पर जो आरोप लगे हैं, पुलिस पर जो आरोप लगे हैं, उसका खंडन थाना प्रभारी की ओर से किया गया। उन्हें निराधार बताया गया। पुलिस पर गंभीर आरोप ये लगे हैं। उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रेम डोडिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या ये पूरा मामला रहा है जिसपे पुलिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि मारपीट की गई है पुलिस थाने में, बेटे के कान से खून निकला बताया जा रहा है, पत्नी के साथ मारपीट की और फ्रैक्चर बताया जा रहा है? जी हाँ, निश्चित तौर पर यहाँ पर पति पत्नी और बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ऐसा उज्जैन के थाना नीलगंगा पुलिस पर यह आरोप लग रहे हैं। दरअसल यह जो दंपत्ति है, यह परिवार नीलगंगा क्षेत्र के कवेलू कारखाने में रहता है और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का एक काम करते हैं। इन्होंने थाने में आवेदन दिया था कि उनका जो मुनीम है उससे उनका विवाद हुआ है, मुनीम उन्हें पैसे नहीं दे रहा है। इसी बात को लेकर मुनीम ने भी आवेदन दिया था, जिसको लेकर ये थाने पहुंचे थे। पुलिस ने इन्हें बयान के लिए बुलाया था। इनका आरोप है कि यहाँ पर थाना प्रभारी विवेक कनोड़िया आए और उन्होंने मारपीट की, जिसके कारण इन्हें चोटें आई है और ये जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए पहुंचे भी है। वहीं जब इस संबंध में थाना प्रभारी से बात की तो उनका कहना था कि ये थाने में अभद्रता कर रहे थे, महिला को महिला कांस्टेबल द्वारा थाने से बाहर किया गया, इसलिए ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनके ऊपर चोटें दिख रही है, जो इनका उपचार चल रहा है, वह एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि इस प्रकार की घटना होना, क्योंकि चोट आना, कान से खून निकलना, फ्रैक्चर होना, यह खुद व्यक्ति अपने आप नहीं कर लेता, तो कहीं ना कहीं पुलिस पे भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी चलिए ठीक है प्रेम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ।